अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई जो देख रहे हैं इस वक्त वीडियो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस वक्त हम जो है वो मलेशिया में हैं, ठीक है। और फॉरेनर के हालात इस टाइम ये हैं कि ये बंदा जो जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बंदा 4 दिन पहले जो है इसको रात के तकरीबन जो है वो 2 से 2:30 बजे जो है इसको टेम्परेचर हुआ काफ़ी ज़्यादा और बॉडी पेन शुरू हो गया। तो मैंने एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करने की कोशिश की, फिर उसके बाद अब मुझे थोड़ा बहुत सिम्टम्स लगे कि COVID-19 आपको पता है आजकल कितना फैला हुआ है। तो मैंने 999 जिनकी हेल्पलाइन है उस पर कॉल की, तो जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास मौजूद हैं और मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने भी कॉल की, पाकिस्तान से कॉल करते रहे हैं, वो बताते रहे उन्हें कि यार इस तरह पेशेंट है, एड्रेस बताया, सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने आगे हमारी कॉल जो है वो ट्रांसफ़र कर दी यहाँ के जो रिलेटिव हॉस्पिटल हैं उधर। और उसके बाद जो है हमें कहा गया कि हम एम्बुलेंस नहीं भेज सकते जब तक आप कंफर्म नहीं है कि COVID-19 आइदर इसको है या नहीं है। इसके अलावा फिर जब अगला दिन हुआ तो हॉस्पिटल लेके इसको मैं खुद गया, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने कह दिया कि हम तो कोविड का इलाज ही नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह नहीं होते, आप ऐसा करें अपने जो रिलेटेड आपका जो क्लिनिक है वहां पे इसको ले जाएं। क्लिनिक में गए, उन्होंने हमसे ₹250 लिया, ₹250 लेने के बाद इसका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर इसको है और कोई मसला नहीं है, मेडिसिन दी और हमें वापस भेज दिया। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे रिपोर्ट तो कम से कम दिखा दें, आपने जो इसका टेस्ट किया है मुझे रिपोर्ट तो दिखा दें, उन्होंने मुझे रिपोर्ट तक नहीं दी। ये सब मेरे पास प्रूफ, रिटर्न प्रूफ भी पड़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, सब कुछ है मेरे पास। इसके अलावा जो है यहाँ पे जितनी भी एनजीओज वगैरह काम कर रही हैं और मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं उन सबको कांटेक्ट किया है, सब जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे हैं उन सब का जो माशाल्लाह जो यहाँ पे मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, मैं किसी एक को प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, सबकी बात मैं कर रहा हूँ, किसी ने किसी भी तरह की हेल्प नहीं की किसी भी तरह की। तो ना यहाँ पे जो पीटीआई के माशाल्लाह जो हैं यहाँ पे इनकी जो वेलफेयर्स काम कर रही हैं, पार्टी जो बनी हुई है इनकी, कोई इधर फॉरेनर को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, किसी भी तरह की उनको उनकी जो है हेल्प नहीं की जा रही, और ये बंदा मरते मर जाए यहाँ पे और मतलब किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना ही जो है ना यहाँ पे कोई टेंशन लेता है इस बात की। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सब भाइयों से जो जो इस वीडियो को देख रहे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि जो इमरान खान साहब है ना उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें पता लगे कि ये फॉरेनर के साथ सलूक किया जा रहा है, ये हालात होते हैं। और ना हम यहाँ पे किसी को कुछ कह सकते हैं, अजीब बदमाशी फैलाई हुई है हर किसी ने, हर बंदा यहाँ पे लारे लगाता है, जिससे बात होती है वो कहता है जी अच्छा हम आए, आप ऐसा करें कल इसको ले आना, हालात आप देख सकते हैं इस बंदे के। तो हम किससे जाके भी हेल्प मांगे, आपको पता है कि 18 तारीख से इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है मलेशिया में, जॉब्स हैं नहीं हमारे पास, इनकम कहीं से आ नहीं रही, सर्वाइवल मुश्किल हुआ हुआ है, और उस सूरत में अगर ये बीमार हो जाता है बंदा तो उसको किधर लेके जाएं। तो मेरा तो ये सवालिया निशान है हुकूमत से भी, फॉरेन अफेयर से भी, सबसे, कि हमारा क्या कसूर है, हम तो यहाँ पे काम करने आ रहे थे ना, हम तो काम कर रहे थे, तो हमारा क्या कसूर है, जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है हमें। मेरी रिक्वेस्ट है सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इमरान खान सब तक ये बात पहुंचे और वो इसका कोई एक्शन लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।